हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकओवर विद शायनी। सो होली के बाद स्किन केयर एंड हेयर केयर इज मस्ट, एंड सिर्फ होली के लिए ही क्यों, हमेशा ही स्किन केयर एंड हेयर केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ कुछ प्रोडक्ट्स मैं शेयर करूंगी जो कि है ओरिएंटल बोटनिक्स ब्रांड से। एंड मैंने पहले भी ये ब्रांड से कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, एंड आप लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आया था वो प्रोडक्ट्स। सो मैंने सोचा कि अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा है कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स मेरे पास है दो स्किन केयर एंड एक हेयर केयर के, तो ये सारे प्रोडक्ट्स की रिव्यू मैं एक साथ एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये एक ही ब्रांड के है, तो इट विल बी मोर हेल्पफुल एंड टाइम सेविंग फॉर यू गाइस। तो अगर आप ये प्रोडक्ट्स के बारे में इंटरेस्टेड हो देन डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सो गाइस चलिए ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैं ये ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स है वो मैं पिछले 7-8 महीने से यूज कर रही हूँ, एंड पर्सनली मुझे ये प्रोडक्ट्स, ये ब्रांड मुझे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्किन फ्रेंडली होते हैं एंड बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं स्किन के लिए, एंड ट्रूली ये काम करता है स्किन के लिए एंड हेयर के लिए भी। ट्रूली ये जो प्रोडक्ट्स है ये काम करता है। सो फर्स्ट मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है ये फेस वॉश। तो ये है ओरिएंटल बोटनिक्स एक्टिवेटेड चारकोल ब्राइट ग्लो फेस वॉश। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी पैकेजिंग है आप देख सकते हो, ये प्लास्टिक का बॉटल है एंड पंप पैकेजिंग है। तो ये जो पंप है ये लॉक सिस्टम में है, देख सकते हो ये प्रेस नहीं हो रहा है, तो ये लॉक खुल गया, तो फिर से ये लॉक हो गया। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट देयर पैकेजिंग। जो इनकी पैकेजिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं एंड यूजर फ्रेंडली होता है। तो मैं जो चारकोल स्क्रब का रिव्यू आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, सेम जो पैकेजिंग जो पैटर्न उस पर था वो सेम कलर कॉम्बिनेशन एंड पैटर्न ये पैकेजिंग में है, क्योंकि ये भी चारकोल फेस वॉश है, वो भी चारकोल स्क्रब था इसके लिए। अगर आपने वो स्क्रब का रिव्यू वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन पे या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप जरूर चेक कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि वो स्क्रब मेरी फेवरेट स्क्रब है टिल नाउ अभी तक की। तो इसमें सिलिकॉन, पैराबिन, सल्फेट, मिनरल ऑयल एंड कलर्स कुछ भी नहीं है। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस पैकेजिंग पे मेंशन किया गया है। तो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। सो कमिंग टू द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश है तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर में है एंड इसकी कंसिस्टेंसी यू नो समवट क्रीमी टू लिक्विडी है। यहाँ पे जो क्लेम इन्होंने किया है कि ये स्किन से जो भी इम्प्यूरिटीज है, डर्ट है, पोल्यूशन है वो ये रिमूव करता है, स्किन में जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव करता है एंड लंबे टाइम तक ये ऑयल फ्री रखता है स्किन को। नेक्स्ट ये जो स्किन की डलनेस है उसे रिड्यूस करता है, ऑल्सो इंक्रीज द ल्यूमिनिसिटी ऑफ आवर स्किन एंड ये एक्ने एंड ब्लैक हेड्स को ये आने से प्रिवेंट करता है। सो ये जो क्लेम करता है इससे 90% ये फुलफिल भी करता है। तो इसे फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल स्क्वीकी क्लीन लगता है, ये आपके फेस से जो एक्सेस ऑयल है, डर्ट है, पोल्यूशन है, जो भी इम्प्यूरिटीज है वो ये बिल्कुल रिमूव करता है एंड आपके फेस को ये बिल्कुल स्क्वीकी क्लीन, जैसा आपकी क्लीन का मतलब जो होता है कि क्लीन, क्योंकि ये स्किन से जो एक्सेस ऑयल है वो इसे रिमूव कर देता है। तो इसके लिए ड्राई स्किन में ये थोड़ा सा ड्राई एंड स्ट्रेची लगेगा, लेकिन अगर आप उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अगर आप लगा लोगे देन यू आर गुड टू गो। सो आई थिंक समर में ये सिर्फ कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए ही ये वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉश होगा। एंड सेकेंड की ये स्किन को ब्राइटन अप करता है, ग्लो का तो मुझे नहीं पता लेकिन ये स्किन को डेफिनेटली जो स्किन कम्प्लेक्शन है उसे ब्राइट करता है, ये टैन को भी बहुत ही हद तक रिड्यूस करता है, ये पिंपल्स एंड एक्ने को भी ये रिड्यूस करता है, आने से प्रिवेंट करता है आई डोंट थिंक सो, लेकिन ये रिड्यूस करता है ये मैं आपको कह सकती हूँ। सो इसे फेस में अप्लाई करने के बाद काफी ज्यादा रिफ्रेश फीलिंग आता है। मैं आज यू नो फॉर 2 months आई एम यूजिंग इट एंड आई एम टोटली लविंग इट। तो जब भी मैं बहुत ज्यादा थकी हुई होती हूँ या कोई ओकेशन है या शूट है, मैंने बहुत ज्यादा हेवी मेकअप किया है, या अगर मैं नाइट में ये फेस वॉश से मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ देन मेरी जो यू नो जो थकावट है, जो यू नो जो एक हेवीनेस है फेस में, वो हट जाता है एंड मुझे बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग यू नो फीलिंग आता है। तो इसके लिए मुझे ये जो फेस वॉश है ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड ये ट्रूली ये बहुत ही देर तक आपके यू नो ऑयल को एंड स्वेट को आपको आने से रोकता है। सो दैट्स व्हाई आई रियली रियली लाइक दिस प्रोडक्ट एंड मैं आपको भी ये रिकमेंड करती हूँ, आपको जरूर एक बार इसे ट्राई करना चाहिए। और अगर आप कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन के हो तो डेफिनेटली आपको ये फेस वॉश ट्राई करना चाहिए। ये 200 ml का है, तो अगर आप अकेले ये बॉटल को यूज करोगे तो आपको ये बॉटल को फिनिश करने में एटलीस्ट आपको 6 to 7 months तो लग ही जाए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये एलोवेरा स्किन जेल। दिस इज ओरिएंटल बॉटनिक्स एलोवेरा स्किन जेल सूदिंग एंड मॉइस्चराइजिंग जेल। सो दिस जेल कम्स टू दिस पैकेजिंग।
सो अगेन आपको इसके पैकेजिंग में इंग्रेडिएंट्स, एमआरपी, फिर एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरर, ऑल डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एंड ऑल्सो जो इनर पैकेजिंग है उसमें भी आपको मिल जाएगा. सो ये जो इनर पैकेजिंग है वो ग्लास नहीं है, वन टाइप ऑफ प्लास्टिक ही है, बट काफ़ी हार्डी है. ऐसे बिल्कुल भी यू नो फ्लिमजी या बुरी क्वालिटी की प्लास्टिक नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की क्लासी पैकेजिंग है जैसे कि आप देख सकते हो. सो ये 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट है. सो इसमें कोई भी कलर नहीं है. एंड जो इसकी कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हो, ये एक क्लीन ट्रांसपेरेंट जेल है. सो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा जेल, 90% एलोवेरा जेल, स्वीट आलमंड कोल्ड प्रेस ऑयल, व्हीट चर्म कोल्ड प्रेस ऑयल, ग्लिसरीन बेस एंड प्रिजर्वेटिव्स. तो इसमें पैराबिन नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, सल्फेट भी नहीं है एंड कोई भी कलर नहीं है. सो ये आपके स्किन में कुछ भी हार्म नहीं करेगा. सो ये जो एलोवेरा जेल है तो मैं करेंट यही मैं अपनी स्किन में अप्लाई कर रही हूँ. एक तो मैं इसे एज अ मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, तो आज भी मैंने सिर्फ अपनी स्किन में ये जो एलोवेरा जेल है वो ही मैंने अप्लाई किया है. तो मैंने कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन कुछ भी मैंने अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ ये एलोवेरा जेल है मेरी स्किन में एज अ मॉइस्चराइजर. आप इसको एज अ जेल मॉइस्चराइजर के पहले जो मैं नाइट में यूज करती हूँ एज अ जेल पूरे फेस में अप्लाई करके फिर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करके आप सो सकते हो. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग योर स्किन विल बी सो सॉफ्ट, प्लम्पी एंड ग्लोई दैट यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विथ योर स्किन अगेन. सो या एंड फिर मैं इसे पैक के साथ यूज करती हूँ. सो विंटर से समर आने के पहले तक मेरे चेस में एंड मेरे बैक में छोटे छोटे पिम्पल्स होते हैं एंड वो पिम्पल्स काफी ज्यादा यू नो रेड होते हैं, रेडनेस होती है उस पिम्पल में एंड बहुत ज्यादा इची होती है वो पिम्पल्स. तो मैंने उसके लिए डॉक्टर को मैंने दिखाया था एंड डॉक्टर ने मुझे क्रीम टेस्ट किया था. तो कुछ हफ्ते पहले फिर से वो पिम्पल्स यू नो हो गए यहाँ पे चेस्ट में एंड बैक पे एंड बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी एंड रेडनेस भी बहुत ज्यादा थी. तो फिर मैंने नोटिस किया कि वो क्रीम एक्चुअली खत्म हो गया था एंड वो एक्चुअली नाइट का टाइम था तो कहीं पर मैं खरीद नहीं सकती थी. तो मैंने क्या किया कि ये जो एलोवेरा जेल है मैंने जहाँ भी वो पिम्पल्स हो रहा था वहां पे मैंने अप्लाई करके मैं सो गई थी रात में. एंड सुबह उठने के बाद मैंने देखा कि जो रेडनेस एंड इचिंग है वो तो बिल्कुल ही चला गया था, लेकिन जो पिम्पल्स है वो भी ऑलमोस्ट यू नो चला गया था. फिर उसके बाद से जो क्रीम है वो मैंने खरीदना छोड़ दिया है एंड ये जो एलोवेरा जेल है मैं यही यूज करती हूँ. जब भी मुझे इचिंग होती है या रेडनेस हो जाती है कहीं पे भी स्किन में तो मैं यही यूज करती हूँ एंड दिस वर्क्स अमेजिंगली फॉर मी. सो मैं जब मेरी फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ एंड मेरी आईब्रोज को मैं थ्रेडिंग करती हूँ उसके बाद भी मैं ये एलोवेरा जेल को अप्लाई करती हूँ, अपनी पूरे फेस में अच्छे से मसाज कर लेती हूँ. अच्छे से मसाज करके मैं इसे कुछ देर रख देती हूँ एंड फिर उसके बाद मेरे फेस को मैं वॉश कर लेती हूँ एंड जो सारे यू नो रेडनेस होता है वो सब कुछ चला जाता है एंड मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा यू नो रिलीफ मिलती है स्किन को. एक जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो जब आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करोगे मेनली आपके नोज के आसपास अप्लाई करने के 2-3 मिनट तक जो फ्रेग्रेंस है वो आपको थोड़ा सा बॉदर करेगा क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रांग है इसके लिए, लेकिन फिर उसके बाद जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल उग जाता है एंड फिर बिल्कुल भी ये बॉदर नहीं करता है. अगर आप एज अ मॉइस्चराइजर थोड़ा सा अप्लाई करोगे तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहेगा, बहुत ही जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में. बहुत ज्यादा अप्लाई करते हो एज अ जेल मॉइस्चराइजर के पहले तो ये थोड़ा सा स्टिकी लग सकता है, लेकिन उसके बाद अगर आप मॉइस्चराइजर यूज कर लोगे देन यू आर गुड टू गो, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगेगा. मैंने विंटर में 2-3 बार इसे एज अ प्राइमर भी मैंने यूज किया है. तो ये एलोवेरा जेल को अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है, तो इसके लिए ये एज अ प्राइमर भी काफी अच्छे से काम करेगा. तो मैं आपको ये एलोवेरा जेल को एक बार जरूर ट्राई करने के लिए कहूंगी, बहुत ही अच्छा. लास्ट प्रोडक्ट मेरे पास है वो है ये हेयर ऑयल. सो दिस इज ओरिएंटल बोटैनिक्स रेड ऑनियन हेयर ग्रोथ ऑयल. सो दिस इज मेनली फॉर हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल कंट्रोल. पैकेजिंग है वो अगेन बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है एंड ट्रैवल फ्रेंडली है. आपको यहाँ पे प्लास्टिक का कैप मिलता है एंड पंप की पैकेजिंग है, तो आप बहुत ही इजीली कितना प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो वो आप कंट्रोल कर सकते हो. ट्रांसपेरेंट बॉटल है सो यू कैन सी, तो आप जो प्रोडक्ट है वो आप बाहर से ही देख सकते हो. तो मैं इसे ओवर 1 मंथ यूज कर रही हूँ एंड मेरा इतना ही खत्म हुआ है, सिर्फ इतना आप देख सकते हो इतना ही खत्म हुआ है. तो अगर आप अकेले से यूज करते हो तो इजिली ये आपका 6-7-8 महीना तो चल ही जाएगा इजिली. तो अगेन लाइक ऑल अदर ओरिएंटल बोटैनिक्स प्रोडक्ट्स, तो इसमें भी मिनरल ऑयल, पैराबिन, सल्फेट, सिलिकोन एंड कलर्स नहीं है एंड ये क्रुएल्टी फ्री है. अगेन इसमें कोई कलर नहीं है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट ऑयल है एंड ये ऑयल की जो स्मेल है वो
बहुत ही ज्यादा स्वीट है एंड रिफ्रेशिंग है गाइस। एंड ये ऑयल को लगाने के बाद मुझे रात में बहुत अच्छी नींद आती है। आई डोंट नो, मैंने आज तक बहुत सारा ऑयल मैंने यूज किया है, लेकिन पर्टिकुलरली ये ऑयल जो है इसे यूज करने के बाद जब मैं रात को मैं मसाज करके, बालों में मसाज करके स्कैल्प में जब मैं सोती हूँ तो बहुत अच्छे से नींद आती है। ये ऑयल बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। तो जब आप इसे बालों में अप्लाई करोगे तो कुछ देर के बाद ही जो स्मेल है वो उग जाता है एंड बिल्कुल भी ये बॉदर नहीं करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हेयर ग्रोथ। सो मैंने आज तक बहुत सारे मैंने ऑयल्स यूज किया है मेरे हेयर में, बहुत ही सारे, लेकिन वो सारे ऑयल्स ने उतना ज्यादा हेयर ग्रोथ नहीं किया जितना कि ये ऑयल ने हेयर ग्रोथ किया है। एंड आप अभी भी देखोगे, कैन यू सी द बेबी हेयर्स ऑल ओवर। पहले भी मैंने जो ऑयल यूज किया है, मैंने आपको कहा है कि ठीक है वो सारे हेयर ग्रोथ, वो बहुत सारे भी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता था वो ऑयल्स भी, लेकिन ये जो हेयर ऑयल है दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। हेयर फॉल को कंट्रोल करता है या नहीं आई डोंट नो, बिकॉज मेरी उतना ज्यादा हेयर फॉल नहीं होता है, जैसे नॉर्मल जो हेयर फॉल साइकिल है वही होता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल नहीं होता है। हेयर ग्रोथ मैं इसको 100 में, इसको मैं 1000, 5000, 10000 पॉइंट्स में दूंगी मैं इसे। अगर आपके हेयर ग्रोथ अच्छे नहीं है, अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा थिन है, बिल्कुल भी आपके हेयर में वॉल्यूम नहीं है, सो दिस ऑयल इज जस्ट फॉर यू। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज आप लगाओगे तो अगले दिन ही आपके यू नो हेयर आना शुरू हो जाएगा या हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसे एटलीस्ट 4 वीक्स आप इसे यूज करोगे तो जो डिफरेंस है वो आप डेफिनेटली देख पाओगे, आपके भी मेरी तरह ही हाल होगा बेबी हेयर्स में। ऑनियन का जो रस होता है वो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, तो लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऑनियन का स्मेल नहीं आता है। एंड यहाँ पे सारे के सारे कोल्ड प्रेस ऑयल यूज किया है, तो कोल्ड प्रेस ऑयल में जो ऑयल्स के नेचुरल प्रॉपर्टीज होते हैं वो मेंटेन होता है, तो इसमें सभी के सभी कोल्ड प्रेस ऑयल है। 30 टाइप्स ऑफ ऑयल यहाँ पे यूज हुआ है, डेफिनेटली आपको इस ऑयल को यूज करना चाहिए। दिस इज एन मिरेकल प्रोडक्ट फॉर मी, सीरियसली ये मेरे लिए एक मिरेकल प्रोडक्ट है। इतना ज्यादा हेयर ग्रोथ मैंने किसी भी ऑयल में मैंने नहीं देखा है, ये ऑयल ने जो किया है। सो दिस इज एन मस्ट हैव प्रोडक्ट। अगर आप चाहते हो कि अगर आपके बालों में वॉल्यूम आए, हेयर ग्रोथ हो, तो दिस ऑयल इज अ मस्ट हैव ऑयल। आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट इंप्रेसिव लगा है एंड आप ये खरीदना चाहोगे या नहीं, एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना है। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।